हरियाणा सरकार की मुस्तैदी के चलते नूह में स्थिति न सिर्फ नियंत्रण में है बल्कि पूरी तरह से शांति का माहौल है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जगह जगह किए गए हैं ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। इन सबके बीच नूह में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुलडोजर द्वारा अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है जी। लोगों के लिए अवैध जमीन है, सरकारी जमीन है? नहीं जी, ऑनर की जमीन है, निर्माण अवैध है। डेमोलिशन निरंतर किया जा रहा है जी, और कंटिन्यू किया जा रहा है जी, कंटिन्यू किया जाएगा। डेमोलिशन स्थानों पर होगी सर? अभी अनसर्टेन है जी। नल्लर मेडिकल रोड पे ये अनऑथराइज शॉप्स बनी हुई है, कॉमर्शियल शॉप्स नहीं है, जान नहीं है, कॉमर्शियल शॉप्स है, विदाउट परमिशन है जी। जी सर, लगभग जो है 45 से ज्यादा दुकानें बनाई हुई हैं, सारी अवैध है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अवैध नहीं है, हमारे पास रजिस्ट्री वगैरह है। कोई बात नहीं, इसमें कोर्ट का मैटर भी दिखाया है जिसमें DTP और मैं पार्टी नहीं हूँ, तो इसका मतलब इनका आपसी का कोई रंजिश का मामला है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अवैध अतिक्रमण को हटाने का सीधा संबंध नूह में हुई हिंसा से है या नहीं, इसके बारे में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी जो भी स्ट्रक्चर थी, 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी, और ये सारी अवैध निर्माण था, और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये, और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी, यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था, तो इसको हटाना बहुत जरूरी था। हाँ, नोट DTP साहब हमारे विनेश कुमार जी इसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, पहले प्रॉपर सबको नोटिस दिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। जहां तक नूह में हुई हिंसा की बात है तो हरियाणा सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और शरारती तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और 104 FIR दर्ज की जा चुकी है, 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 के करीब लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। सारे तथ्य पुलिस की जानकारी में है और पुलिस एक एक पॉइंट की जांच कर रही है, जांच करने के बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा वो आपको बताएंगे।